नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली में एनआरआई भाईजान ने बहन का सुख चैन लूटा। बरेली के सूफी टोला पुराना शहर का मामला है। आना वजीद के अनुसार मामा प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता है। फॉरेन में रहकर एनआरआई मामा पूरे परिवार को परेशान करता है। एनआरआई डॉक्टर आफताब आलम ने पूरा घर तबाह कर डाला। 307 के मुकदमे के चक्कर में आई हूं, क्योंकि मेरे मामा ने, सगे मामा ने मेरी पूरे परिवार के ऊपर झूठा मुकदमा लिखवा दिया। सिर्फ इसलिए जिस घर में हम रहते हैं उन्होंने वो घर किसी और को बेच दिया है। अब वो चाहते हैं कि उस पर कब्जा करा दें, फर्जी ही बनावा बनाकर। अब वो बार बार हमें तरह तरह के मुकदमे लिखवाते हैं। जब से उनसे बंटवारे का केस चला है, वो अब हमारा बारादरी में केस लिखा था, उन्होंने लिखवाया था 2017 में झूठा मुकदमा हमारे पर। जब बारादरी पुलिस ने उसकी विवेचना की तब वो झूठा पाया गया। जब वो झूठा पाया गया तो मुकदमा खत्म हो गया। पर उन्होंने, वो हैं अमेरिका में रहते हैं तो वो एनआरआई करते रहते हैं कि हमें एनआरआई ट्वीट करते रहेंगे झूठी झूठी। तो उस झूठी ट्वीट से उन्होंने दोबारा से, हमें पता भी नहीं चला, और उन्होंने बितरी से दोबारा उसकी जाँच करवा ली। अब जब हमारे घर पर पुलिस आई, हमारे भाई को और मम्मी को घर से ले गई, तब हमें पता चला कि हमारे ऊपर 307 का मुकदमा लिखा हुआ है। फिर जैसे उनकी विवेचना चल रही है और सबकी, अब पुलिस हमें इतना परेशान कर रही है कि हमारे आए दिन घर पे आती है कि अब हम कुर्की कर देंगे। आज जिलाधिकारी महोदय से मिले आप क्या? कल मैंने राष्ट्रपति साहब को पत्र भेजा है कि अगर मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं इच्छा मृत्यु कर लूँगी यहाँ पर।